31 fast, 32 fast, 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 33, 34, 35, 36, 46, 47, 48, 49 and 50. Relax. Relax. Relax में दोनों हाथ ऐसे पीछे बांध दिए. आप आ गया. दोनों हाथ पीछे बांध दिए. गर्दन को पीछे लटकाइए. पूरा ध्यान अपने शरीर पर रखिए. यहीं पर आप दोनों को पास पास लाइए. सूर्य नमस्कार के लिए मन को तैयार करिए जो आज हमने पढ़ा. ठीक है, जो आप प्रणाम आसन सेकंड में जाए दोनों हाथ हस्तोता इतनी बॉडी फ्लेक्चर कर लो. देखो अभी आप ही को करना है ऊपर मत करो. ठीक है, इतना जाना है. फिर आइए पादहस्तासन, दोनों हाथ लगाने की कोशिश करना है. ठीक है, फिर दाएं वाले पांव से पाद प्रसारासन, फिर दूसरे वाले पांव से विपाद विषमपद विलोम स्थिति, घुटने जमीन पर अष्टांग प्राणिपादा, इसमें हमारे शरीर के अंग किस फिट कर. फिर भुजंगासन नाभि तक का हिस्सा. फिर आएंगे पर्वतासन. ठीक है, फिर आएंगे एक बार प्रसाद. फिर आएंगे पादहस्तासन और यहीं से जाएंगे हस्तोत्तान. फिर आपकी बॉडी को प्रणाम. पांव के पंजे भी इसमें मिलाइए. आमला पांव के पंजे, पांव के पंजे एड़ी मिलाइए. आमला पांव के पंजे से सामने हाथ, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा. अंगूठों को थोड़ा नीचे लाइए. पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगाइए. हमारा कौन सा था? सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा. वामासन, दोनों हाथों को धीरे धीरे यहीं से ऊपर लेके जाइए. देखिए मैं दोनों हाथों से खींचिए, काम से लगाइए. हाथों को खींचिए, कोहनी साथ सीधे करिए. जहां भी आप पिछले होंगे मैं देख लूंगा. आपको खींचिए, हृदय की तरफ सामने की ओर लगे. इनहेल करिए और एक्सहेल करते अपर बॉडी छुपाइए पीछे. आराम से होल्ड करना है, पीछे करना है, गर्दन को पीछे लटकाइए. अब देखिए महसूस करिए, जब हम पीछे की ओर जा रहे हैं गले की थाई ग्रंथि पर खिंचाव आया है. महसूस करिए गले की थाई ग्रंथि को पूरा खिंचाव रीढ़ के अंतिम सिरे में जो गोला है जब आप से महसूस करिए. अब सामने से आइए, हाथों को लाइए सामने से लगाइए. काम से हाथों को खींचते हुए धीरे धीरे नीचे आइए. पादहस्तासन तीसरी मुद्रा सूर्य नमस्कार की. वेरी गुड. अब यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है. ठीक है, जैसे आप मेरे को यहीं से देखिए. देखिए फ्लेक्सिबिलिटी में कैसे पहले दोनों हाथ हमने जमीन से छूना चाहिए. ठीक है, जिनकी उंगली टच हो गई वो हथेली लगा. ठीक है, और जिनकी हथेली भी टच हो गई दोनों हाथ से दोनों पांव की कुंडली में अगर जो वस्त्र को ऊपर से लगा. ये आपकी कैपेसिटी है. ये शिवाजी की बात की बात बात सर मैं देख रहा हूं कैसे लगे इनके हाथ नहीं लगा रहे. इनको प्रयास करना है कि ऐसे झुक जाओ, दबाओ जरा नीचे क्योंकि पेट को पूरा दिखा रहा है. ठीक है, हल्के के मुंह में करी चुकी है, छिपा चुकी है. टू थ्री, आप इसको फोर इस मूवमेंट करो. फाइव, वेरी गुड. अब यहीं पर दोनों हाथ जमीन पर रखते हुए दाहिना वाला पांव पीछे लेके जाइए. पाद प्रसार आसन, दाहिना राइट राइट लेग को पीछे लेके जाइए. अब मेरे को देखिए आप पीछे वाला जो पांव है वो ऐसा पीछे वाले पांव को अंदर खींच के हाथ में मेरी आगे वाला साइड में और इस साइड में और पीछे वाला घुटने को ऐसे खींच रहा हूं. दबाना नहीं, ऐसे खींचो. दोनों हाथ जमीन पर, गर्दन पर रुक छत की ओर. बहुत बढ़िया, घुटने उठाओ, घुटने उठाओ, घुटने उठाओ. ये घुटने उठाओ, ये उठाओ, घुटने उठाओ, इसे उठाओ, पीछे रखो, पीछे वाला, पीछे वाला. ये गर्दन पर रुक छत की ओर, वेरी गुड. अब आगे वाले पांव को ले जाओ पीछे. विपाद प्रसाद आसन,
इसमें हमारे शरीर इधर देखो सामने देखो मेरे पास, इसमें हमारे शरीर की आकृति कैसी हो रही थी, फिसल पट्टी ज्यादा कैसे नहीं करना, फिसल पट्टी कैसे होती है, आगे से होती थी इतनी करना, देखो आगे से होती हुई पीछे से पे वेरी गुड, कमर नीचे करो आप, कमर में सही करो आप, गर्दन ऊपर रखो, कमर नीचे करो नीचे, वेरी गुड आराम से और बढ़िया, वेरी गुड बहुत बढ़िया। फिर धीरे से देखिए अष्टांग प्राणिपदा दोनों उंगली से जमीन पर रखना है, ये साथ मेरे साथ आपसे बॉडी थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, अब दोनों हाथों के बीच में रखना है सीना टूटे, अष्टांग प्राणिपदा ये देखिए, अब घुटने दबा के रखना है, घुटनों को दबाओ नीचे, दबाओ नीचे, हाँ ये, अब दोनों कोहनियों को बॉडी से चिपकाना है, बॉडी से चिपकाओ दोनों कोहनी, ये अष्टांग प्राणिपदा। अब यहीं पर देखिए बॉडी को ट्विस्ट करना है, आगे भुजा ना बॉडी ट्विस्ट करी, दोनों पांव पास पास रखते हुए केवल नाभि तक का हिस्सा, गर्दन करो छत की ओर, इसको बोलते हैं भुजंगासन, तो हमने कहा नाभि तक का हिस्सा गर्दन पर, गर्दन नाभि तक का बेल, फिर यहीं से मस्तक को लगाते हुए पर्वतासन, पर्वतासन चलाई हुआ शरीर पीछे बनाओ, अब इस विषय पे ये ध्यान रखना है, देखो आप विषय पे देखिए फ्लेक्सिबल कितनी बढ़ना चाहिए सामने देखो, आप देखो चुपचाप देखिए फ्लेक्सिबल कितनी बढ़ना चाहिए सामने देखो आप कि हमारा मस्तक मेल से टच होना चाहिए, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है आराम से, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है, ये 12 आसन ही क्यों पढ़ लेते हैं जीवन के पूरे वर्ल्ड में इसकी हो रही बातचीत, आप देखिए फिर शरीर सीधा करना, देखिए इधर बॉडी सीधी करिए, फिर दाहिने वाले पांव को वापस लाइए, दाहिने वाले पांव को फिर लाइए, एक बार सारा आसन लाओ दाहिने वाले पांव का, आगे अब आगे वाला पांव 90 होना चाहिए, 90 को आगे को 90 को पांव बस लाओ सारा इसे लाओ, आपके लाओ मेरे को बहुत बड़े का भी है, अब गर्दन करो छत की ओर, दोनों हाथ जमीन पर, पीछे वाले पांव को खींच कर रखिए गर्दन ऊपर, आगे वाले पांव को फिर पीछे वाले पांव को लाइए, एक बार आदस्थासन जिसे हम गए थे, क्या होता है सूर्य नमस्कार में जाते तो बॉडी को फ्लेक्स, फिर धीरे से सामने हाथों को लाओ, एक बार फिर जाओ हस्तोत्तम, जाओ गले पीछे लेते हाँ, क्या होता है गले की धारे टेंशन सब पे जाओ, फिर वापस आते आइए सामने से गोल घुमा के प्रणाम,